उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना अंतर्गत अल्यावर निवासी पत्रकार बबलू मिश्रा की 4 दिन पूर्व सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित भरतुआ के समीप तेज गति से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जनपद के कई वरिष्ठ पत्रकार आज जिला अधिकारी से मिलकर आर्थिक मदद की मांग की। पत्रकार बबलू मिश्रा अपने पीछे कई जिंदगियां छोड़ गए। मृतक परिवार के आर्थिक मदद के लिए जनपद के समस्त पत्रकारों ने जिलाधिकारी अनीता श्रीवास्तव को संबोधित ज्ञापन में पत्रकार के परिवार वालों को आर्थिक रूप से 20 लाख रुपए मदद की शासन से मांग की। और एक संभव हो एक पत्नी और पत्रकार विशाल मिश्रा का कहना था कि यह दुख की घड़ी है, शासन को इस पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए। हम लोग आज सारे पत्रकार एक साथ एकत्र होकर जिला कलेक्ट्रेट में आकर डीएम महोदय से एक पत्रकार साथी बबलू मिश्रा की आकस्मिक मौत पर दुख जताते हुए उनके परिवार के भरण पोषण के लिए हम लोग 20 लाख की मांग किए हैं, और उनकी जो पत्नी और बच्चे निसहाय हैं उनके लिए हम लोग कहें कि उनके लिए संविदा की नौकरी या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे उनका जीविकोपार्जन चल सके। जबकि वरिष्ठ पत्रकार रवि शुक्ला ने कहा कि पत्रकारों के लिए शासन स्तर से कोई सुविधा नहीं है। बबलू मिश्रा जो अचानक उनकी मौत हो गई ट्रक सड़क दुर्घटना में, उसके लिए आज जिलाधिकारी को हम लोगों ने एक मांग पत्र जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से दिया है। 20 लाख का मांग किया हम लोग मुख्यमंत्री से, और उनकी पत्नी है उनको हम लोगों ने, उनको सरकारी नौकरी मिले इसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी को एक पत्रक दिया है।